नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ये है देश का मूड मीटर, जहां आप और हम मिलकर टटोलते हैं देश के बड़े मुद्दों पर देश की नब्ज। हम अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाते हैं जिसे स्कैन करते ही आपके मोबाइल पर आज के मुद्दे से जुड़े सवालों की लिस्ट खुल जाती है। फिर आप अपना जवाब दर्ज कर उसे सबमिट कर देते हैं और इस तरीके से आप देश को बताते हैं कि देश के बड़े मुद्दों पर क्या है आपकी राय। तो देश का मूड मीटर घुमाने के लिए हो जाइए तैयार और हम बिना वक्त गवाए आते हैं आज के एजेंडे पर। मूड मीटर में आज का एजेंडा है ऑपरेशन कॉकटेल, यानी शराब के बाद पानी का खेल। दिल्ली के शराब घोटाले में CM अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार कैसे लटकी हुई है ये तो आप जानते ही हैं। अब शराब के बाद पानी का घोटाला भी सामने आ गया है। इस घोटाले में भी केजरीवाल को समन जारी हो चुका है, लेकिन जैसा कि वो हमेशा करते रहे हैं, केजरीवाल और उनकी पार्टी इसे भी अपने खिलाफ एक साजिश करार देकर ED के सामने पेश होने से इनकार कर रहे हैं। ऑपरेशन कॉकटेल के बाद शराब के बाद ऑपरेशन कॉकटेल में आज शराब के बाद हम पानी के इसी घोटाले से पर्दा उठाएंगे। एक एक परत उधेड़ कर बताएंगे आपको कि कैसे इस घोटाले के तार भी केजरीवाल से जुड़ रहे हैं और सच्चाई सामने आए इसके लिए क्यों जरूरी है कि केजरीवाल से पूछताछ हो। हम आप सरकार के पानी के घोटाले को बेनकाब करें उससे पहले जरा आज के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिस पर कि आपको आज का देश का मूड मीटर घुमाना है, जिस पर कि आपको आज वोटिंग करनी है। तो देश के मूड मीटर में आज जो सवाल आपके सामने हैं, जिस पर कि आपको आज वोटिंग करनी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल नंबर एक है कि बार बार समन के बावजूद पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। जी हां, पहला सवाल यह है कि बार बार समन के बावजूद पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल, और उसका ऑप्शन है कि केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है इसलिए वो इससे भाग रहे हैं, उन्हें एक एक गड़बड़ी पता है इसलिए वो इससे बच रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि ईडी केजरीवाल को परेशान कर रही है, बेवजह परेशान कर रही है इसलिए केजरीवाल इससे बच रहे हैं। तो ये पहला सवाल है। सवाल नंबर दो, जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए या नहीं। सवाल नंबर दो ये है, ऑप्शन है हां जल बोर्ड के चेयरमैन थे इसलिए जवाब देना पड़ेगा उनको, ऑप्शन बी है नहीं केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, और ऑप्शन सी है केजरीवाल की चुप्पी से संदेह खड़ा होता है। यह सवाल नंबर दो। सवाल नंबर तीन है, भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल क्या बेनकाब हो गए हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर जवाब आपको देना है, मूड मीटर घुमाना है। ऑप्शन ए है हां केजरीवाल का असली चेहरा उजागर हो चुका है, ऑप्शन बी है नहीं केजरीवाल पर आरोप मनगढ़ंत है, और ऑप्शन सी है कि जो भी हो इस पर जवाब तो देना या इस पर जांच तो होनी ही चाहिए। सवाल नंबर चार, केजरीवाल गिरफ्तारी का माहौल बनाकर क्या सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। ऑप्शन ए है हां केजरीवाल का चुनावी स्टंट है, ऑप्शन बी है नहीं गिरफ्तार होने का डर है उनको, और ऑप्शन सी है कह नहीं सकते। और अब पांचवा और आखिरी सवाल कि केजरीवाल पर एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं उसका चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, और ऑप्शन है केजरीवाल को चुनाव में इसका नुकसान होगा, ऑप्शन बी है विक्टिम कार्ड से केजरीवाल को फायदा होगा, और ऑप्शन सी है चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये पांच सवाल हैं और इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं। दिल्ली केजरीवाल सरकार और ईडी के बीच जो खींचतान चल रही है उस पर आपकी राय क्या है, इस पर आप वोट देना शुरू करिए। और हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं उस घोटाले का जिसे हमने नाम दिया है ऑपरेशन कॉकटेल। जो लोग कभी ऑटो में लटक के आते थे वो लोग आज करोड़ों खरब रुपए कमा रहे हैं, लूटा है हमें, समन से दूर भाग रहे हैं। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं केजरीवाल जी, आप कहां भागिएगा
कानून के हाथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। कंफ्यूजन मत रखिए जी, आम आदमी ऑन मिशन पर गंभीर घोटाले के एक और आरोपों की एक एक जानकारी बस अगले कुछ मिनट्स में खुलती चली जाएगी। इस बार नया एलिगेशन है कथित मिस्टर क्लीन पर, जो ऑन रिकॉर्ड है और इसी का खुलासा है ऑपरेशन कॉकटेल। बात तब की है जब 2018 में सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। ईडी के मुताबिक करोड़ों का घोटाला उसी दौर में हुआ। उसी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए समन सीएम केजरीवाल को भेजा है। अब जरा पूरा मैटर समझिए साहब। जो आरोप है उसके मुताबिक 38 करोड़ के ठेके के बदले रिश्वत ली गई और रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के चुनावी कोष में दिया गया। लेकिन करप्शन के इस खेल में एक ट्रेल है जिसमें कई किरदार हैं और इन्हीं किरदारों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले और आम आदमी पार्टी तक पैसों के ट्रेल का पूरा हिसाब किताब ईडी को मिला। ये केस सीबीआई में रजिस्टर हुआ था और ईडी के आरोपों के मुताबिक 38 करोड़ का ठेका एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया। ये ठेका इस बात की अनदेखी करते हुए दिया गया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ठेके की पात्रता को पूरा नहीं करती थी। यहाँ तक कि जल बोर्ड कमेटी में मौजूद पीडब्ल्यूडी के मेंबर ने इस पर एतराज भी जताया था, लेकिन ठेका तो दे ही दिया गया। ईडी को जांच में पता चला कि 38 करोड़ के ठेके के काम में सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब सवाल ये है कि बाकी बचे 21 करोड़ रुपए गए कहां। खेला इसी 21 करोड़ रुपए को लेकर जो बटा और बड़े आराम से छुपते छुपाते बांटा गया और घूम कर ये कहां पहुंचा, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस खेल और शराब के बाद जल के कॉकटेल में केजरीवाल घिरते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है ये केजरीवाल की गिरफ्तारी का बैकअप प्लान है। गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं केजरीवाल जी। आप कहां भागिएगा, कानून के हाथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की तब सारा झोल पता चला। अब पता क्या चला, वो ये कि तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने जल बोर्ड का ठेका एनकेजी इंफ्रा को देने के लिए 10% का कमीशन लिया। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, अलग अलग रूट से बाकी की मोटी रकम आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में दी गई। कैसे दी गई, कैसे खेल हुआ, क्या क्या फितूर रचा गया, ये आगे देखेंगे। तो देश का मूड मीटर तेजी से घूमना शुरू हो चुका है और अभी तो ठीक से खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए करीब 10,000 से ज़्यादा वोट आ चुके हैं और ये बताता है कि इस मुद्दे पर आम लोग कितनी बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं और कैसे उनकी राय किस रूप में सामने आने वाली है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। हम दिखाएंगे कि रुझान क्या है, नतीजे क्या हैं, इन पाँचों सवालों पर देश क्या सोच रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे वो दौर याद आ रहा है जब केजरीवाल भ्रष्टाचार पर कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। ऐसा लगता था कि ये आदमी अगर सत्ता में आ गया तो समझो कि सतयुग आ जाए। लेकिन आज हालात क्या है वो आपके सामने है। केजरीवाल को याद हो ना हो पर मुझे तो याद है और उम्मीद है कि आपको भी याद होगा। फिर भी याददाश्त की धूल झाड़ने के लिए ही सही एक बार जरा पुराने पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि भ्रष्टाचार के मसले पर केजरीवाल क्या कमाल की बातें किया करते थे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल,
येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग का कहीं भी भ्रष्टाचार का सबूत है आप मुझे ला के दीजिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। तो ये एक दौर वो भी था और एक दौर ये भी है। जल बोर्ड घोटाले पर केजरीवाल को समन के बाद आपकी नेता आतिशी कह रही हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये घोटाला है क्या। कितनी मासूमियत कि आपको एक बार की यकीन हो जाए कि आतिशी सच ही कह रही है। लेकिन सच क्या है ये आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली जल बोर्ड में ठेके के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था, ईडी को जांच में कैसे पूरा मनी ट्रेल मिल चुका है, बस एक आखिरी कड़ी बाकी है जो केजरीवाल से पूछताछ के बगैर पूरी नहीं हुई। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए ऑपरेशन कॉकटेल का पूरा खेल समझाता हूं। आइए, सो आप अगर सबसे पहले उस तारीख का जिक्र करता हूं मैं, ये 2018 की बात है, मई 2018 की, तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। अब वो नहीं है दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, लेकिन उस समय कुछ महीनों के लिए दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, और उसी समय उस दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे जगदीश कुमार अरोड़ा। जगदीश कुमार अरोड़ा और उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या मिलीभगत थी, इस पर हम बाद में बात करेंगे, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, कैसे किस तरीके से एक बड़ा खेल हुआ इसमें, और ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जगदीश कुमार अरोड़ा की जब चीफ इंजीनियर थे तो उस समय एक ठेका दिया गया, उसमें दिल्ली जल बोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, आप यूं समझिए कि इसके जरिए हम किसी पाइप में पानी का फ्लो कैसा है ये उसको मॉनिटर करते हैं, वो एक खास तरह का मीटर होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को इंस्टॉल करने, उसकी टेस्टिंग करने और उसको कमीशनिंग करने का एक ठेका दिया गया, और जिसकी कीमत थी करीब 38 करोड़ रुपए का ये ठेका दिया गया एक जिस कंपनी को, उसका नाम था एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर थे, या यूं कहें कि मालिक थे अनिल कुमार अग्रवाल, इनकी कंपनी को ये ठेका दिया जाता है। इस ठेके को एनकेजी खुद नहीं एग्जीक्यूट करती है, वो खुद से नहीं करती, वो टेंडर को सबलीज कर देती है और वो टेंडर चला जाता है इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड। इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड अनिल अग्रवाल की ही एक तरीके से कंपनी है। इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड, अब यहां से खेल शुरू होता है। वो एक तरीके से जो मीटर है, फ्लो मीटर जिसको मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, उसको एस्टैब्लिश करती है और उसको उसकी उसका उस, उस, उसको पूरा काम को पूरा करती है। लेकिन अब यहां से घालमेल शुरू होता है। असल में आरोप यह है कि जगदीश अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल के बीच पहले ही इस बात को लेकर साठ गांठ हो गई थी कि ये इस पूरे काम को कैसे अंजाम देना है। तो पहला आरोप तो यह है कि जगदीश कुमार अरोड़ा को जो चीफ इंजीनियर रहते हुए जो टेंडर पास किया वो टेंडर ही गलत था एक तरीके से। उसमें जो दस्तावेज अनिल अग्रवाल ने सबमिट किए थे वो दस्तावेज फर्जी थे। फर्जी दस्तावेज के आधार पे अनिल कुमार अग्रवाल को ठेका मिल जाता है, और उस ठेके के बदले में अनिल अग्रवाल कैसे जगदीश अरोड़ा को घूस देते हैं और उसका फिर क्या केजरीवाल से कनेक्शन है वो अब आपको हम आगे बताते हैं। तो इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड वो सारा काम पूरा करती है और उसमें से करीब 3 करोड़ रुपए एक अलग अलग तरीके से जगदीश अरोड़ा के सीए हुआ करते हैं तजिंदर पाल सिंह और उनकी एक फर्म है ओएसआर इंटरप्राइजेज को इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड फर्जी बिल के आधार पे कुछ पैसे धीरे धीरे करके पैसे ट्रांसफर करती है। पूरा मनी ट्रेल है मेरे पास, कितना पैसा कब ट्रांसफर किया गया, कैसे ट्रांसफर किया गया, इसको लेकर के ईडी की जांच में सब कुछ सामने आ चुका है।
कभी कभी 58 लाख रुपया, कभी 40 लाख रुपया, कभी 33 लाख रुपया, अलग अलग बिल पे, फर्जी बिल पे, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, फर्जी बिल के आधार पे वो ओएसआर इंटरप्राइजेज को ट्रांसफर किए जाते हैं इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड से। इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड से यही नहीं, सिर्फ ओएसआर इंटरप्राइजेज को ही नहीं, बल्कि तजिंदर पाल सिंह की पत्नी और उनके परिवार के एक दो और सदस्यों के अकाउंट में भी कुछ पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। वहां से पैसा कुछ कैश के फॉर्मेट में और कुछ पैसा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के जरिए जगदीश अरोड़ा के पास पहुंच जाता है। ईडी का कहना है कि ये करीब करीब 3 करोड़ रुपए हैं इस तरीके से, जो कि अनिल अग्रवाल यानी कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर से होते हुए इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड और वहां से जगदीश अरोड़ा के सीए तजिंदर पाल सिंह के अकाउंट और फिर वहां से जगदीश अरोड़ा तक पहुंचता है करीब करीब 3 करोड़ रुपया कैश और कुछ अकाउंट ट्रांसफर के जरिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये 38 करोड़ के ठेके का एक छोटा परसेंटेज था, 10% से भी कम, 10% से भी कम। लेकिन ईडी की जांच में ये पता लगा कि ये जो 38 करोड़ का ठेका था, असल में इसमें काम सिर्फ 17 करोड़ का हुआ, यानी कि पूरा काम करने में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर वगैरह लगाना था उसको पूरा काम लगा के इंस्टॉल करके उसकी टेस्टिंग करके उसको पूरी कमीशनिंग करने में जो खर्च आया वो 17 करोड़ का था। तो बाकी का जो 21 करोड़ है वो कहां गया? ईडी का आरोप है कि जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल के बीच में ये सब पहले से साठगांठ थी और इन्होंने 2 गुने से भी ज्यादा कीमत पे ये टेंडर पास किया था और ये टेंडर का पैसा कैसे कैसे रूट होना है इसका सब पहले से खाका तैयार था। सो उसमें से 3 करोड़ रुपए किकबैक के जरिए जगदीश अरोड़ा तक पहुंचता है। अब सवाल उठता है कि अब ये बाकी का 18 करोड़ क्या हुआ? अगर 17 करोड़ का काम हो, असली जो काम होना था वो 17 करोड़ का था, 3 करोड़ रुपए यानी कि जगदीश अरोड़ा को क्विकबैक के रूप में गए यानी कि करीब 20 करोड़, तो क्या बाकी के 18 करोड़ रुपए क्या अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी ने या अनिल कुमार अग्रवाल का फायदा हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहां से खेल शुरू होता है और यहां से आप और केजरीवाल का कनेक्शन शुरू होता है। अब ये चीज एस्टैब्लिश करने के लिए ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। ईडी का आरोप है, ईडी ने अपने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसकी कॉपी हमारे पास है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बाकी के पैसे आपके इलेक्शन फंड में ट्रांसफर किए गए, आपके इलेक्शन फंड में दिए गए हैं और ये उस पर जांच करना बहुत जरूरी है और ये जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस समय ये सारा घाल मेरे पूरा स्कैम चल रहा था, जिस समय पूरा घोटाला चल रहा था, उस समय दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल खुद थे। सो इस पूरे घोटाले की अंततः जवाबदेही अरविंद केजरीवाल की है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इसकी जानकारी ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको समझना आपके लिए जरूरी है कि क्यों अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है और क्यों अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनको इस चीज की पूरी जानकारी थी। उसके पीछे एक और संदेह, एक और आशंका इस बात से पैदा होती है कि जब ये टेंडर पास किया जा रहा था तो उस कमिटी में पीडब्ल्यूडी का एक मेंबर, उसने आपत्ति दर्ज कराई थी कि भले ही एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इनको इस कमिटी में कि इसको एक ठेका दिया जाना चाहिए, लेकिन ये एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल पैरामीटर पर यानी कि तकनीकी आधार पे ये उसे बिल्कुल योग्य नहीं है उसके और उसकी अनिवार्यता को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पे ये ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उनकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ठेका दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि चेयरमैन होने के नाते अरविंद केजरीवाल की क्या इसमें भूमिका थी? क्या अरविंद केजरीवाल की भूमिका या उनकी सहमति के बगैर ही ये ठेका एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनिल अग्रवाल को दे दिया गया? ये वो सवाल है जिस पर तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक उसका खुलासा नहीं होगा जब तक कि अरविंद केजरीवाल से इस पर पूछताछ नहीं हो जाती। और इसीलिए ईडी कह रही है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होना बहुत जरूरी है। ये 18 करोड़ रिश्वत का मामला भी है, क्या ये इलेक्शन फंड में, आपके इलेक्शन फंड में गया? अगर गया तो उसका क्या तरीका, कैसे गया, कैसे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच बहुत हद तक हो भी चुकी है और जिसकी जांच आने वाले दिनों में जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी तो मुकम्मल होगी। इसीलिए ईडी बार बार ये कह रही है कि इसमें पूछताछ में अरविंद केजरीवाल को शामिल करना जरूरी है।
आप इस बारे में, इस खुलासे के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? हमने 5 सवाल आपको पहले ही बताए हैं इसी से जुड़े हुए, इसी मुद्दे से, उस पर आपकी क्या राय है? आप वोट करते रहिए, हम बीच बीच में आपकी राय को दिखाते रहेंगे, शामिल करते रहेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन इस बीच हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास गेस्ट जुड़े हुए हैं। साजिया इल्मी है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। सुभ्रास्था है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। और रवि श्रीवास्तव है राजनीतिक विश्लेषक। रवि श्रीवास्तव, ये मनी ट्रेल का एक हिस्सा है, अभी मनी ट्रेल का एक दूसरा हिस्सा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मनी ट्रेल का ये एक हिस्सा है। इसको देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूछताछ में शामिल होना चाहिए? उस अरविंद केजरीवाल को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे भ्रष्टाचार को लेकर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या जरूरत है? 6 साल तक ईडी क्या सोई रही? 6 साल तक क्या कर रही थी? आज 6 साल के बाद उनको याद आया कि ये 38 करोड़ का घोटाला तब हुआ था जब वो 3 महीने के लिए जल बोर्ड के चेयरमैन थे। दूसरी बात, 18 करोड़ रुपया कौन से इलेक्शन फंड में गया? जब आप इसी बात का जवाब तो देना है कि 17 करोड़ का काम 38 करोड़ में क्यों दिया गया? अरे भाई, आपको तो मालूम है, आप तो इतने बड़े एंकर हैं। 17 करोड़ का काम 38 करोड़ में क्यों दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? श्रीमान रंजीत जी, आपको पता है कि ये चीज जो है, अगर जगदीश अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फ्रॉड किया या कोई घोटाला किया तो वो जवाब देंगे उसके लिए। ईडी को उनको अरेस्ट करना चाहिए जाकर। क्यों चेयरमैन के क्यों ये इस बात को क्यों खारिज कर दिया जाए, अभी ही क्यों खारिज कर दिया जाए? रवि श्रीवास्तव की इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं होगी? कोई भूमिका है ही नहीं, क्योंकि ये फेक केस है पूरा। ये तो आप ऐसा सोच रहे हैं ना, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि चेयरमैन उस समय चेयरमैन अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली जल बोर्ड के, जिस समय टेंडर दिया गया। देखिए, मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा केस ही फर्जी है, इसमें कोई तथ्य अच्छा है ही नहीं। मनी ट्रेल सबूत है तो जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको चार्जशीट दी जाए। 6 साल के बाद आप क्यों निकाल के लाए इसको? कमाल है, क्योंकि आपको एक पार्टी को सिर्फ बदनाम करना। रंजीत जी, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को समझ में आ गई तो जो 400 सीट का ढोल पीट के घूमती है बीजेपी, 40 सीटें नहीं मिलेंगी। इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए, क्या मिलेगी? सीटें नहीं मिलेगी, वो तो अभी चर्चा का विषय नहीं है रवि श्रीवास्तव। अभी चर्चा का विषय ये है, चर्चा का विषय ये है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, और जो मिस्टर क्लीन खुद को कह रहे हैं वो पूछताछ के लिए भी ईडी के सामने नहीं जाने को तैयार हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावों का क्या किया जाए? 2000 करोड़ रुपए दबा गए बैठ कर। ये कट्टर ईमानदार जो वो, हमने केजरीवाल की कुछ पुरानी क्लिपिंग सुनाई अपने दर्शकों को कुछ। अरे वो मैंने सुन रखी है सब, अगर तो आपको सुनवानी है हाँ। तो मोदी जी ने भी कहा था कि स्विस बैंक से 400 लाख करोड़ ले आएंगे, यहाँ स्टेट बैंक से रिपोर्ट नहीं निकल रही। भाई साहब, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, ऐसा उन्होंने कहा के वो चुनावी वादे पर, वो चुनावी वादा था। हो सकता है आप इस पर घेरे उनको, सवाल पूछे भी जाते हैं उनसे, लेकिन ये तो सीधे सीधे घोटाला दिख रहा है। इस घोटाले में अगर अरविंद केजरीवाल जी का नाम सामने आ रहा है तो उनको क्यों नहीं आना चाहिए पूछताछ के लिए? क्या कानून से ऊपर है क्या? जब माननीय न्यायालय इस बात का फैसला करता है कि घोटाला हुआ है, आप एक चार्ज लगा करके अपने स्टूडियो में घोटाला करते रहिए, उसका घोटाला से फर्क नहीं पड़ता। कैसी बात करते हैं? इसमें जो सारे आरोपी हैं उनको रिमांड पर लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनका मनी ट्रेल सामने आ चुका है, और आप कह रहे हैं कि उनको हाजिर होना चाहिए। क्या मनी ट्रेल सामने है सर, आप बताइए ना। 18 मनी ट्रेल हमने बताया तो मैं आपको अब आपको अगर कहिए तो अगर मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या किस किस समय कितने कितने पैसे ट्रांसफर किए गए, कहां कहां ट्रांसफर हुए, ये सारी चीज जांच में सामने आ चुकी है रवि श्रीवास्तव। इलेक्शन फंड इसी को हर साल डिक्लेयर किया जाता है। साजिया इल्मी इस तरह की दलील का क्या जवाब है आपके पास? रवि श्रीवास्तव जो कह रहे हैं उसका क्या जवाब है आपके पास? जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भाई साहब की आदत है, साफ तौर पर झूठ बोलते हैं सीधे मुंह से और फिर बीच बीच में टोकते हैं, तो मैं उनसे इंतजार करूंगी कि थोड़ी देर के लिए खामोश बैठे। दूसरी बात और सबसे जरूरी बात, आपने कुछ फुटेज दिखाई, पुराने दिनों की याद दिलाई। उस वक्त अन्ना हजारे आंदोलन में मैं शामिल थी और आपने सच में ना सिर्फ मेरे पर कई हजारों लोगों के जख्मों पर आपने नमक छिड़का है दिखाकर। वाकई में क्या केजरीवाल जी थे और क्या निकल रहे हैं, सारी परतें खुल रही हैं। उससे ज्यादा बड़ी बात, घोटाले ही घोटाले,
आरोप ही आरोप, समन ही समन और बहाने ही बहाने सिर्फ ये लोगों को मिला है। अब आप देखिए वो कंपनी जिस जो तकनीकी तौर पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिसके होते हैं, जो मानदंड होते हैं, वो पूरी भी नहीं, उसके आधार पर वो अयोग्य होती है, उसको करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं, वो भी 38 करोड़। 21 करोड़ कहां जाते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। ना सिर्फ ये समन के समन भेजने के बाद अगर कुछ आपने गलत नहीं किया है आप जाइए, आपको बेल भी मिलेगी अगर आपने कुछ नहीं किया है। 174 धारा में बाकायदा इसका प्रावधान है। क्यों आप डर रहे हैं? अच्छा, आपने बड़े अच्छे से समझाया, सब अखबारों में पूरी खबर है, सब जानते हैं, तो आतिशी किस बात को लेके कंफ्यूज हैं? ये घोटाला क्या है? ये घोटाला है सिर्फ भ्रष्टाचार का, और एक्साइज घोटाला तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि उसमें क्या कुछ हुआ है। हाँ। कितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं कल भी, उसके बावजूद आतिशी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उनकी मासूमियत देखने लायक थी भाई। ऐसे वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शुभ्रास्ता जरा उनको भी मैं जोड़ता हूँ इस चर्चा में, इस बहस में शुभ्रास्ता को भी जोड़ते हैं। शुभ्रास्ता, आपने आतिशी का बयान सुना मेरी बात को? नहीं, थोड़ा सा छोटा सा। अच्छा, हाँ ठीक है, खत्म कर लो बात को। हाँ ठीक है, नहीं खत्म कर लो अपनी बात को। और आप कह रहे हैं नहीं, खत्म कर लो अपनी बात को, क्योंकि बीजे भाई साहब फिर से कूद पड़े थे। भाई साहब आप कह रहे हैं कि क्या करोड़, 100 करोड़। अब जो इंसान 45 करोड़ रुपए लगाएगा अपने शीश महल बनाने का, 1 करोड़ लगाएगा पर्दों के लिए, उसके लिए 21 करोड़ और 38 करोड़ क्या होते हैं? आपको सोचिए, अरे सबने देखा, कितना झूठ बोलेंगे रवि जी, अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं, अपनी किरकिरी क्यों उड़ा रहे हैं झूठ बोलकर? झूठे लोग और झूठ की पसंद, मैं कोई झूठे लोग हैं आप लोग, फरेबी है सबसे बड़े, फरेबियों की तरफ से बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, स्वांग रचा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, स्वांग रचा था आप लोगों ने, एक्टिंग कर रहे हैं आप सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े घोटालेबाजों का फरेबी आप है। ठीक है, तो रवि श्रीवास्तव इसका भले जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जनता जवाब दे रही है। जनता जवाब क्या दे रही है, जरा पहले सवाल का जवाब भी ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सवाल पर देखते हैं कि लोगों का रुझान क्या है, लोग जो वोट कर रहे हैं बड़ी संख्या में, 20,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक वोट किया है। और पहले सवाल के जवाब में कि बार बार समन के बावजूद पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल, तो केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 67% है, और उन्हें एक एक गड़बड़ी पता है ये मानने वाले लोग 31% है, बहुत रोचक जवाब है देखिए। और ईडी केजरीवाल को परेशान कर रही है, 1.5% लोग मानते हैं कि ईडी केजरीवाल को परेशान कर रही है, बाकी सारे लोग मानते हैं कि या तो केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है या फिर केजरीवाल सारी गड़बड़ी सारा घपला जानते हैं इसलिए वो डर रहे हैं, पूछताछ में नहीं शामिल हो रहे हैं। एक बार शुभ्रास्ता के पास चलते हैं। शुभ्रास्ता, आतिशी का बयान आपने देखा होगा, कितनी मासूमियत से कह रही हैं कि आखिर ये है क्या, हमें तो ये पता ही नहीं है, इतना बड़ा घोटाला हो गया साहब, और वो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रंजीत जी, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया एक अध्याय है जिसको आतिशी जी बिल्कुल चरितार्थ करने का प्रयास कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बड़ी मासूमियत से वो कह दें और जनता जनार्दन इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ है कि वो समझ ही नहीं पाएगी। ये लोग इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं रख पा रहे हैं रंजीत जी कि जो जो घोटाले केजरीवाल ने किए अब तक के अपने प्रशासन काल में, वो कभी ना कभी मनी ट्रेल के साथ साथ, इनवॉइसेस के साथ साथ सामने आएंगे, और ऐसे ही नहीं आएंगे, वो हर एक जो मुद्दा है, आप देखिए लिकर का जो मामला था रंजीत जी, आज तक मीडिया के सामने वो कच्चा चिट्ठा कोई भी प्रवक्ता, कोई भी समर्थक केजरीवाल के नहीं बता पाए कि आखिर वो स्कैम क्या था। आप देखिए इस केस में भी, दिल्ली जल बोर्ड वाले इस केस में भी, आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से एक प्रपत्र नहीं मिलेगा जिसमें वो पूरा का पूरा मनी ट्रेल के साथ साथ वो चीजें समझा पाए। तो ये एक पैटर्न है आम आदमी पार्टी का, और ये पैटर्न क्यों है इसमें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहती हूँ कि आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा कर लें या आज हम अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले की चर्चा कर लें, लबोलुआब यही है कि हमने आज तक अपने राजनेताओं से पैसे का हिसाब नहीं मांगा था।
और आज जैसे जैसे पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है वैसे वैसे परतें खुल रही हैं। रंजीत जी अभी बात की गई, रवि जी ने कहा टाइमिंग इनको बड़ा सस्पेक्ट लग रहा है, टाइमिंग तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी सस्पेक्ट लग सकता है भाजपा को, तो भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आपस में सिर्फ इसी चीज को लेकर के लड़ती रहेगी। आज समय नहीं था डिस्कस करने का, हम डिस्कस करेंगे क्यों और हम डिस्कस करेंगे कब, जब मेरे पास, मैं जनता हूं, मेरे पैसे का घोटाला हुआ, चाहे वो लिकर गेट में हुआ हो, चाहे वो आज पानी के संबंध में हुआ हो, कल हो सकता है कोई एजुकेशन के संबंध में भी हुआ है, हेल्थ के संबंध में भी हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात भी कर लेते हैं। तो रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है कि चाहे जो भी आरोप लग जाए, जितने बड़े आरोप लग जाए, चाहे जितने सबूत सामने आ जाए, आप बहुत ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए हमेशा ऐसे बात करो, इतनी मासूमियत से बात करो कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, ये सब सब फर्जी बातें हैं। मतलब ये एक स्ट्रेटजी आप लोगों ने तय कर ली है कि हमें इसी पर टिके रहना है चाहे जो हो। एंकर होने के नाते मैं आपके शब्दों पर एतराज करता हूं। सबसे पहले बेशर्म आप लोग हैं, अगर आपको गोदी मीडिया कहा जाता है तो सही कहा जाता है, आप दलाल है सरकार के, इसके अलावा आपको और कोई काम नहीं मुझे, आता मुझे गालियां देने से मुझे गालियां देने से आपकी समस्या हल नहीं होगी, आपकी समस्या हल नहीं होगी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना रवि श्रीवास्तव। सरकार की सिर्फ दलाली करते हैं रवि श्रीवास्तव, हमें जो आप चैनलों को और एंकर्स को गालियां देकर आपको कुछ हासिल नहीं होना, आपको जवाब देना चाहिए जो सवाल है आपके सामने उसका दे रहा हूँ आपको। एक सज्जन थे शरद रेड्डी, वो अरबिंदो फार्मा में काम करते थे, वो अरेस्ट हुए लिकर गेट के अंदर, जैसे ही वो अरेस्ट हुए उन्होंने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उसके बाद उनको जमानत मिली मेडिकल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जल बोर्ड घोटाले की, आप बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। भाई जल बोर्ड घोटाले की बात करेंगे ना आप, हमने 3 दिन, हमने पिछले 4 दिनों में 3 बार दिए गए, 1 मिनट रवि श्रीवास्तव, हमने 3 बार इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, उसमें भी आप लोगों को मौका दिया गया बोलने का। आज जब जल बोर्ड घोटाले की बात हो रही है तो जल बोर्ड में जवाब देंगे ना श्रीमान। जल बोर्ड घोटाले में आप जो अपराधी है उनको अरेस्ट करिए ना भाई, अपराधी तमाशा क्यों कर रहे हैं, आप करें तमाशा। मैं कह रहा हूं कि अगर आरोपी की आरोपियों की लिस्ट में, आरोपियों की लिस्ट में अगर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, अगर लग रहा है कि भाई ये तार उन तक जा रहे हैं, तो पूछताछ के लिए उनको बुला लिया गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, जो पूछताछ में जाकर के उनको अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं नहीं वो जा चुके कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने कहा 1 तारीख को आएगी, आप सुनवाई करिए, अगर 1 तारीख को कोर्ट बोलेगा तो वो आगे पेश होंगे आकर के, नहीं करते आप। लेकिन नौ बार आपको तो, समन जा चुका है और आप हर बार कोर्ट में जाकर, क्योंकि आप भाजपा जो ईडी का इस्तेमाल कर रही है आज प्रेस रिलीज देती है, अरे प्रेस रिलीज तो प्रेस रिलीज क्यों नहीं, प्रेस रिलीज दे दिया तो क्या 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 बड़ी बात हो गई भाई। अगर अगर घपला घोटाला हो रहा है और उसके बारे में जनता को बताया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है आपको, ऐसी दलाली सरकार की पहले किसी सरकार में नहीं हुई। रवि रवि श्रीवास्तव आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जनता का जवाब जरा लेते हैं। जनता क्या कह रही है, जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए या नहीं, हमने सवाल किया और आपने बड़ी संख्या में वोट किया है और आप लगातार वोट करते रहिए, आपसे गुजारिश है, आप देखिए क्या कह रहे हैं। उसमें से ज्यादातर लोग 92% करीब 93% लोग कह रहे हैं कि हाँ जल बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते जवाबदेही बनती है और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। बी ऐसा मानने वाले लोग कि नहीं केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ये मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, 1.7% लोग मानते हैं कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है और केजरीवाल की चुप्पी संदेह पैदा करती है, ऐसा मानने वाले लोग करीब करीब 5.5% हैं। आप खुद देखिए ज्यादा से ज्यादातर लोगों की राय क्या है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल उस समय जल बोर्ड के चेयरमैन थे तो अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। अब तीसरे सवाल का भी लगे हाथों जवाब ले ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल क्या बेनकाब हो चुके हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ केजरीवाल का असली चेहरा उजागर हो चुका है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या करीब 84% है और नहीं केजरीवाल पर मनगढ़ंत आरोप लगे हैं 1.5% लोग मानते हैं, और जो भी हो चाहे आरोप सही है गलत है वो अलग चीज है लेकिन जांच होनी चाहिए, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 14% है। अब आप देखिए लोगों की राय, जनमानस किस तरीके से बटा हुआ है, लेकिन बहुत स्पष्ट है ये भी साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस मुद्दे पर केजरीवाल गलत हैं, केजरीवाल को सम्मन अगर हुआ है तो उनको जाकर अपनी सफाई देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, आरोप सही है या गलत वो बाद की बात है।
रवि श्रीवास्तव, उसके बावजूद भी आपके आपकी दलील में कोई फर्क आएगा कि आप वही बातें दोहराते रहेंगे जो आप पहले से सोच के आए? मैं आपके इस सर्वे और इस मूड मीटर और फोन वोटिंग के ऊपर मेरा कोई विश्वास नहीं है। जाहिर सी बात है, आप सिर्फ एक बना बनाया एजेंडा चला रहे हैं और एक एक आपकी आप कोशिश भी वोट कर सकते हैं, आपके लोग भी वोट कर सकते हैं, आप भी अपनी राय दीजिए ना। मैं तो ये लाइव वोटिंग है, लाइव वोटिंग और लाइव रिजल्ट है इसमें रवि श्रीवास्तव, इसमें जो चाहे वोट कर सकता है, जो भी दर्शक हैं हमारे वोट कर रहे हैं, आप भी वोट कर सकते हैं, आपके लोग भी वोट कर सकते हैं, उस पर किसी पर रोक नहीं है। जो भी नतीजे हैं आपके सामने हैं, बताइए। मैं आपके नतीजों से बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता। आपका पूरा का पूरा ये पोल फर्जी है और आपका ये आरोप भी पूरा फर्जी है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर इसमें कोई तथ्य है तो सरकार जो है, जिसको जो ईडी जो सरकार की एजेंसी है, जिसका इस्तेमाल वो विरोधी पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, जेल में डालने के लिए करती है, वो करती रहेगी। उससे कोई डरने वाला नहीं है यहाँ पर। जो डर गए वो भाजपा में घुस गए जा करके, जो डरने वाले नहीं है वो सीना तान के देश के सामने खड़े हुए हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। आप कोई भी नाम लीजिएगा, मुझे आपने बहुत मौका दिया है, आपने बहुत मौका दिया है भाई साहब को, लेकिन जवाब इसलिए क्योंकि सवाल सारे उन्हीं के तरफ हैं, सारे सवाल उन्हीं के तरफ है, लेकिन ये अलग बात है, वो जवाब नहीं देना चाहते। मुझे अपना नाम सुनने का कोई शौक नहीं है, मेहरबानी करके। हाँ साजन जी, रवि श्रीवास्तव बोलने दीजिए, बीस सेकंड मुझे दे दीजिए बोलने के लिए। हाँ साजन, 20 सेकंड चाहिए भाई, 20 सेकंड चुप रहिए आप थोड़ी देर के लिए। हाँ, राउज एवेन्यू क्या के जो जज हैं, सेशंस कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज और जो बेंचेस हैं, वो सब गलत बोल रहे हैं। सच तो भाई साहब ही बोल रहे हैं। आप बात करेंगे दिनेश अरोरा की, आप बात करेंगे विजय नायर की, आप बात करेंगे एक्साइज घोटाले की, आप बात करेंगे डीजेपी की, आप बात करेंगे जल बोर्ड की, तो देखिए चुप्पी से साथ जाएंगे। लेकिन वैसे जवान बहुत लगातार बोल रहे हैं, देखिए लगातार बोल रहे हैं। ये झूठा ही इंसान है जो लगातार बोलता है, ये फरेबी है जो बोलता है, जो डरा हुआ है, जो भाग रहा है, जिसने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, तभी तो वकील बोल रहे हैं सारे, तभी तो जजेस बोल रहे हैं सारे, तभी तो बेल नहीं मिल रही है, तभी तो उन्होंने तय कर लिया है, वो जवाब पहले से सोच कर आए हैं। रवि श्रीवास्तव आज जवाब पहले से सोच के आए हैं कि मुझे इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो जरा चौथे और पांचवें सवाल पर जरा एक बार रुझान देख लेते हैं कि केजरीवाल गिरफ्तारी का माहौल बनाकर क्या सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। सवाल ये था और जवाब क्या है, बहुत ही रोचक जवाब है इसका भी, देखिए। हाँ, केजरीवाल का एक चुनावी स्टंट है, वो सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 76% है। नहीं, गिरफ्तार होने से डर रहे हैं ये 20% लोग मानते हैं, और कह नहीं सकते ये कहने वाले 3% हैं। पांचवा सवाल, आखिरी सवाल, क्या कह रहे हैं आप केजरीवाल पर एक के बाद एक खुलासे का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। केजरीवाल को चुनाव में नुकसान होने वाला है ऐसा 90% मानते हैं लोग, और विक्टिम कार्ड खेलकर केजरीवाल फायदा उठाएंगे इसका, ये मानने वाले लोग 4% हैं, और चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा 5.5% लोग मानते हैं। तो ये आपका ये अभी ये रुझान है जो अब तक के वोटिंग हुए हैं, 30,000 के आसपास लोगों ने वोट किया है और उनकी जो राय है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से शुभ्राष्ट्रा का रुख करते हैं। शुभ्राष्ट्रा, जो अरविंद केजरीवाल पर लगने वाले सारे आरोपों को लेकर उनकी पार्टी के सारे नेताओं का एक जैसा बयान है कि आप चाहे जो आरोप लगे आप उसको सिरे से खारिज कर दो, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है, यही इनका सबसे बड़ा जवाब है। जी, ये तो एक जो भी शासक होता है अगर उसको प्रोपेगेंडा फैलाना होता है तो वो इसी तरीके का ब्रीफ अपने सभी लेफ्टिनेंट्स को देता है, और यही काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मेरा सिंपल सा मानना यही है रंजीत जी, कि अगर आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपका नैरेटिव ये है
कि हम जनता की अदालत में, जनता के बीच में जनता की बात करें, तो जनता के प्रश्न है वो आपको लेना पड़ेगा। और आप जब प्रश्न नहीं ले रहे, अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, तो दाल में कुछ काला है। ये आप कहें या नहीं कहें, जनता के मन में ये बात धीरे 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 बैठती जाएगी, और लगातार स्कैम दर स्कैम का खुलासा होता जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से एक सशक्त बयान नहीं आ रहा है। ये अपने आप में परिचायक है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, और जिस ईमानदारी का चोगा पहन करके ये सामने आए थे वो तार तार हो चुका है। ये मेरी दो टूक राय है। बिल्कुल रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, दाल में काला है कि वही जो पुरानी कहावत है कि पूरी दाल ही काली है? देखिए, मेरी दो टूक राय ये है कि ये सिर्फ भाजपा का एजेंडा है। आम आदमी पार्टी, जिसने तीन तीन बार दिल्ली में उसको जिताया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है, म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर भी जिताया है, पंजाब राज्य में जिताया है, गुजरात में जिताया है, गोवा में जिताया है, जनता का विश्वास और जनता का प्यार पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ ऐसे, है इसीलिए इसीलिए अब किसी आरोप का कोई जवाब नहीं देंगे, किसी संबंध को नहीं मानेंगे, और चाहे जितने आरोप लगते रहें लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। ऐसे 150 ये तय है ना, ये बात फिर तो पिछले 9 सालों में आम आदमी पार्टी पे लग चुके, आज तक एक भी साबित नहीं हुआ, एक भी आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ। अब आप ये अपना फर्जी एजेंडा जब तक चाहें चलाएं, आप ठीक है। आज के मूड मीटर में वक्त इतना ही था जैसा कि पहले से तय था कि रवि श्रीवास्तव इस पर कोई जवाब नहीं देंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल अपनी जगह बने हुए हैं, ये सवाल खत्म नहीं हुए हैं, जाहिर सी बात है, और इन सवालों का देर सवेर केजरीवाल जी को जरूर जवाब देना पड़ेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि इन सारे सवालों पर आपकी आखिरी राय क्या है, अभी तक जो आखिरी वोटिंग हुई है उसके हिसाब से आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके स्क्रीन पे है। और अब हमारे लिए वक्त है कि आज के मूड मीटर के 4 लकी वोटर का जो चुनाव किया है हमने, या यूं कहें कि जो लकी ड्रॉ किया है, उसमें 4 लोग जो नाम आए हैं उनका ऐलान करने का। तो मोनिका डागर दिल्ली की हैं और इनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट है 0391। योगेश्वर दिल्ली से हैं, 1900 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। और बाकी दो जो आज के विजेता हैं, कणिका पंजाब की हैं और 3183, और व्यास शर्मा हैं उत्तर प्रदेश से 9244, ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है। तो ये 4 लकी वोटर हैं आज के, इनको मिलता है इनाम। और आप भी बड़ी संख्या में वोट करते रहिए, इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी राय बताते रहिए और साथ ही साथ इनाम जीतते रहिए। आज के मूड मीटर में इतना ही, हम कल मिलेंगे फिर किसी और बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।